सभी का आपके अपने चैनल द यूनिवर्सल हीलिंग में आपका स्वागत करती हूँ। गाइज आज हम देखेंगे एंजल्स गाइडेंस, हमारे लिए एंजल्स क्या गाइड कर रही है, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस चीज पे ध्यान दें। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम गण गणपति आय नमः, ओम नमो नारायण, ओम साई नाथाय नमः। आज देखते हैं हमें एंजल्स क्या सजेस्ट करते हैं। चलिए जनरल रीडिंग है, उसी हिसाब से लीजिएगा। यदि आपको लगे या आपके लिए है तो आप उसको लीजिए, अदरवाइज आप छोड़ दीजिए, वो चीज आपके लिए नहीं होगी। एक कार्ड और निकाल लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, यदि आपके मन में कुछ आ रहा है या करने का सोच रहे हैं, या बिजनेस करने का, या पार्टनरशिप करने का, बिजनेस जो पार्टनरशिप में करने वाले हो, या रिलेशनशिप का कुछ सोच रहे हैं, तो उसका आंसर गाइज अभी प्रेजेंट में नो है, तो डाउट मत करिएगा। ये प्रेजेंट की बात कर रही हूँ, नो है, अभी एनर्जी सही नहीं दिख रही है आप लोगों की। दूसरा, यदि किसी चीज को आप करना चाह रहे हैं या सोच रहे हैं करने के लिए, या फिर आपके बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर में कोई प्रॉब्लम जा रही है, तो कॉम्प्रोमाइज करिए गाइज, कॉम्प्रोमाइज करना बहुत जरूरी है। कार्ड आपका बहुत क्लियर आया एंजल्स का, कॉम्प्रोमाइज करना आपको चाहिए। उस चीज को समझिए और बैलेंस बना के चलिए। उस चीज में हो सकता है आप अपने ईगो में बैठे हो, या आपकी गलती नहीं हो, ये भी हो सकता है आपकी गलती नहीं हो, तो आप सोचेंगे मैं क्यों सामने वाले से बात करूं या आगे जाऊं। कई बार हम लोग को रिलेशन बनाने के लिए, अच्छा रिलेशन करने के लिए झुकना पड़ता है गाइस। थोड़ा सा झुक जाइए, घर में सुख शांति आ जाएगी आपकी। आगे जाके घर में जब सुख शांति आएगी तो नेचुरल सी चीजें अबंडेंस आनी ही आनी है। आपके घर में कार्ड निकला अबंडेंस का, और जो लोग काफी टाइम से मेहनत कर रहे थे, बहुत क्लियर कार्ड दिख रहे हैं यहाँ पे। काफी टाइम से जो मेहनत कर रहे थे, जिनका रिजल्ट नहीं आ पा रहा था, सिर्फ वो मेहनत मेहनत करे जा रहे थे और अब निराश हो रहे थे, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, जो आप चाह रहे थे वैसा आपकी लाइफ में होने वाला है, यानी जिस चीज के लिए आपने जो मेहनत करी है उसका फल आपको मिलने वाला है। आपको कुछ लोगों के लिए कहा जा रहा है, जनरल रीडिंग है, फिर से मैं बोल रही हूँ, इस चीज का ध्यान रखिएगा। कुछ लोगों के लिए कहा जा रहा है, बिलीव करना सीखिए अपने आप पे, अपने ईश्वर पे, अपने गुरु पे, अपने फ्रेंड्स पे। हाँ, उन फ्रेंड्स या उन फैमिली मेंबरों के लिए नहीं है जो बार बार आपको धोखा दे रहे हैं, और आपको भी पता है कि वो आपको धोखा दे रहे हैं। जिस चीज के बारे में आपको जानकारी है, वो काम आपको जबरदस्ती नहीं करना है। ये उन लोगों के लिए है जिन्हें पता है कि आपके फ्रेंड्स आपको धोखा नहीं दे रहे, आपके पार्टनर आपको धोखा नहीं दे रहे। तो अगर वो कुछ बोल रहे हैं और आपके मन में कुछ उथल पुथल चल रही है, यदि वो कुछ राय दे रहे हैं तो आप उस पर बिलीव करिए। और एक चीज और कही जा रही है यहाँ पे एंजल्स की साइड से, आप रेडी हो जाइए, आपके घर में बहुत सारी खुशियां आ रही है। उस खुशियों को यहाँ पे क्या हो रहा है, आप लोग अफर्मेशन तो कर ले रहे हैं, प्रेयर भी करते हैं, बहुत क्लियर यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन जब ईश्वर यूनिवर्स देने को आता है, आप डर जाते हैं कि आपको कर पाएंगे काम या नहीं। हो सकता है काफी टाइम से आप कोई जॉब मांग रहे हो, कुछ पैसा मांग रहे हो, कोई रिलेशनशिप के लिए प्रेयर कर रहे हो या अफर्मेशन कर रहे हो, ये टाइम आ गया है, यूनिवर्स आपको देना चाहता है, लेकिन आप घबरा रहे हैं कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि आप अंदर से रेडी नहीं है। जब आप रेडी नहीं होंगे तो यूनिवर्स वो चीज अपनी वापस ले लेंगे। तो प्लीज रेडी हो जाइए, यूनिवर्स आपको बहुत कुछ देने वाले, जो आपने सोचा भी नहीं था। कार्ड बहुत क्लियर आया है। तो आई होप आप लोग को रीडिंग पसंद आई होगी। पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, और बेल बटन जरूर दबाइए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आप लोग को मिल जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।